हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आसिम असलम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? और अगर मेरी आवाज़ बिल्कुल आपको ठीक से आ रही है तो डन का मैसेज भी आप कीजिएगा प्लीज़। कोई भी प्रॉब्लम हो तब भी आप बता दीजिएगा, क्योंकि कल भी कुछ ऐसा हुआ था हमारे लाइव सेशन में कि आवाज़ ठीक से आप सुन नहीं पा रहे थे। ठीक है। और आज मैंने बहुत ही प्यारा सा एक मेकअप लुक आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। और इस मेकअप लुक के लिए मतलब हम लोगों ने डिफरेंट टेक्निक से आई मेकअप लुक किया है, और फिर उसकी ब्लेंडिंग डिफरेंट तरीके से किया। जो आप पहले रेगुलर मेकअप देख रहे होते हैं, टोटल उसे डिफरेंट मेकअप होगा। और दूसरा, इसमें विंग्ड आईलाइनर हम लोगों ने इसमें यूज़ किया है। अगर आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है तो फिर हम अपना लाइव सेशन शुरू करते हैं। और ये बताइएगा कि अभी सबने नमाज वगैरह पढ़ लिया? और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि सबको रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, सबने माशाल्लाह से रोज़े रखे होंगे और नमाज से अभी महल फ्री हो गए होंगे। तो अभी हम जो है इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना इस टाइम, क्योंकि फिर बाद में असर मगरिब के दरमियान हमारा कुछ कुकिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने ये टाइम डिसाइड किया कि हम बैठ के कर लें। ठीक है, तो अगर सब लोग फ्री हो गए हैं तो प्लीज़ आ जाएं और हम आपको आज मेकअप सिखाते हैं। बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं, बहुत मज़े की टेक्निक्स होंगी, डिफ़िकल्ट मेकअप नहीं होना। और जो मेकअप की टेक्निक्स आपको बताएंगे वो आपने पहले देखी भी नहीं होंगी। डिफरेंट टेक्निक्स आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आसिम असलम के माशाल्लाह से बड़े ज़्यादा मैसेजेस कल भी थे, आज भी थे। और गेम इज़ जो लाइफ हैं वो भी कह रही हैं कि डन, ठीक है, ओके। और दूसरा मैसेज, यानी कि अभी दो तीन लोग ही मैसेज यहाँ पे कर रहे हैं। आई थिंक के सब ने शायद नमाज पढ़ ली होगी या बिजी ना हो। ठीक है, अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर हम कल 2:30 बजे कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है। वैसे हम लोगों ने तो नमाज वगैरह से फ्री हो गए हैं ना, तो कल लोगों ने कोई जिक्र असकार भी माशाल्लाह इस महीने में करने होते हैं। माशाल्लाह से बहुत मुबारक ये महीना होता है। ठीक है, तो चलें अब अपने सेशन की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमने क्रिएट क्या किया है। और आज मैंने जो लुक क्रिएट किया है उसमें मतलब कि मैंने प्रॉपर तौर पर जो है ना कुछ जो हमारे कंसीलर्स होते हैं ना, कंसीलर्स की हेल्प से हम लोगों ने ये मेकअप की लुक अचीव की है। और इसमें हम लोगों ने बहुत लॉन्ग विंग्ड आईलाइनर, जिसको एंजल आईलाइनर भी बोलते हैं, उस टेक्निक को फॉलो किया है। और ये एंजल जो हमारा लाइनर होता है ना, सिर्फ हमारी बड़ी आइज़ के ऊपर खूबसूरत लगता है, बल्कि जो हमारी छोटी आइज़ होती हैं, हुडिड जो आइज़ होती हैं, जो लोग कह रहे होते हैं कि हमारी बहुत छोटी आंखें हैं, हम लोगों ने ये लाइनर को यूज़ नहीं कर सकते, हमारी आइज़ मज़ीद छोटी हो जाती हैं, उनके लिए ये वाला बहुत ही परफेक्ट रहता है। आपको वीडियो क्लियर नज़र आ रही है? सबको वीडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है सर? अच्छा, जो कंसीलर यूज़ किए जा रहे हैं वो यहाँ पे मैं प्रो के कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, और एक मैंने 3 नंबर का फिक्लियोर का कंसीलर लिया। ये हमारे कंसीलर है, एक हमारा जो है बिल्कुल डार्क शेड में, ब्राउन, डार्क ब्राउन शेड में कंसीलर है, एक थोड़ा गोल्डन ब्राउन में कंसीलर है, और एक लाइट कलर में कंसीलर है। ये हमारा सबसे डार्क कलर का कंसीलर है। ठीक है, डार्क ब्राउन कलर कंसीलर, जिसको आप अक्सर कंटोरिंग के लिए यूज़ करते हो। कंटोरिंग का इस कंसीलर को मैं जस्ट थोड़ा सा अपनी आँख के आउटर पर एक टिप की मदद से यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, गेम इज़ लाइफ, आपका काम बहुत प्यारा है, मैं आपसे बहुत देर की वीडियो देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। गेम इज़ लाइफ, आपका रियल नेम क्या है? अच्छा, यहाँ पर ये देखें जी, अब हम लोगों ने एक डॉट लगाया कंसीलर का, जो हमारा आपने देखा होगा, हम अब लिक्विड जब कंटोरिंग फेस के ऊपर कर रहे होते हैं तो हम लिक्विड कंटोरिंग के साथ पूरी कंटोर फेस को कर रहे होते हैं, जिससे हमारा फेस मतलब कि हमारी फाउंडेशन के साथ ब्लेंड होके बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट दिखाई दे रहा होता है। तो उस तरह से हम लोगों ने कंसीलर लिया है, यहाँ पर कंटोरिंग वाला कंसीलर का कलर लिया है ब्राउन कलर। और अब मैंने इसको लगा के एक फ्लफी ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद मैं फिंगर से इस तरह से टैप कर रही हूँ, ताकि जो इसकी जो थोड़ा सा ये मतलब ग्रीसी ग्रीसी फील हो रहा है वो मैट लुक में नज़र आए। अच्छा, दूसरा जो कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ, फिक्लियोर का यूज़ कर रही हूँ, इसका नंबर मैंने लिया हुआ 04 नंबर। ठीक है, 04, या आपके पास अगर कोई फाउंडेशन है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फाउंडेशन को भी साथ में आप इसमें यूज़ कर सकते हो। अब आपने इस तरह से जो है थोड़ा सा मतलब अपना कंसीलर लेकर, और जो आपने ब्राउन लाइन बनाई है उस ब्राउन लाइन के साथ साथ आपने अपने कंसीलर को यूज़ करना है। ठीक है,
अच्छा आप ये भी बताइएगा कि हमारा ये टाइम सही है या हम थोड़ा लेट कर लें, ठीक है, यानी कि 2:30 बजे या 3 बजे, क्योंकि मुझे लगता है कि 3-4 बजे से लोग कुकिंग के लिए जो है वो अपने किचन्स में चले जाते हैं, तो ये टाइम आई थिंक उनके लिए फ्री हो। तो जो भी मतलब डिसाइड करें लाजमी कमेंट करके बताइएगा, बल्कि मैं कम्युनिटी में बहुत कुछ आप लोगों के साथ मतलब पूछ रही होती हूँ, वहाँ पर रिप्लाई किया करें, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि हमने किस टाइम लाइव करना है, क्योंकि आजकल हम फ्री हैं तो हम रोज़ा रखने के बाद नमाज वगैरह पढ़ने के बाद हमारी कोशिश रहेगी कि हम थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ जो है पूरे समर में कोई लाइव सेशंस वगैरह करते रहें, ठीक है। गेम इज लाइफ, मेरा नाम साइमा है, ये मेरे बच्चे ने आईडी बनाई है। अच्छा अच्छा साइमा, क्या हाल है आपके, ठीक हैं आप? अच्छा ये देखें जी, हम लोगों ने अगेन यहाँ पर थोड़ा सा कंसीलर मैं अपने ब्रश में ले रही हूँ, और उस कंसीलर को मैं अगेन जो हमारे एजेस डार्क नज़र आ रहे होते हैं उन एजेस को थोड़ा सा ब्लर करने के लिए मैंने कंसीलर यूज़ किया है। देखिए डार्क और लाइट कलर का, ये बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे आपने बहुत तो मतलब आई लुक को कोई खास बहुत ज़्यादा कलर्स के साथ क्रिएट ही नहीं किया, नेचुरल सा बड़ा ही प्रीटी सा ये वाला जो है ना आई लुक आपको फील होगा, क्योंकि इसके साथ ही हम लोगों ने डार्क कलर के साथ लाइट कलर का जो कंसीलर है उनको ब्लेंड किया। और दूसरा हमारा जो कलर गोल्ड कलर में, कॉपर गोल्ड कलर में, ये हमारा प्रो का हाइलाइटर है, ठीक है, ये प्रो का हाइलाइटर के नाम से आप इसमें को शो भी हो रहा होगा कि ये हाइलाइटिंग कलर है, अक्सर आईज पे या फेस पे हाइलाइटिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और इसका कलर थोड़ा सा जो है वो गोल्ड में रहता है, ठीक है। और हम लोगों ने इस तरह से अगेन मैं जो कंसीलर में डार्क कलर का कंसीलर था ना उसे मैं लिड पर अगेन यूज़ कर रही हूँ, मुझे थोड़ा पिगमेंट और चाहिए था तो मैंने थोड़ा सा कंसीलर अगेन लेकर और लिड पर अगेन फिर से इसको यूज़ किया है। इस तरह से आपने इसको यूज़ कर लेना है, और इसको ब्लेंड करने के लिए इसके बाद तो जो कलर होगा वो मैं थोड़ा सा ब्रश पर लेकर लाइट कलर के कंसीलर के साथ अगेन इसकी कंटूर लाइन को ब्लेंड करूँगी। अच्छा ये देखें जी, ये गोल्ड कलर का हमारा कंसीलर है, आज हमने सारा मेकअप गोल्ड कंसीलर यानी कि जितना भी किया है, जितने भी क्रिएशन किया है वो कंसीलर्स के साथ किया है। इसके साथ ये लिक्विड कंसीलर होते हैं, इसके साथ हमारा लुक आई मेकअप का बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता है, क्योंकि ये बहुत प्यारे से ब्लेंड हो जाते हैं, फ्लफी ब्रश की मदद से आप इजीली तरीके से इनको ब्लेंड कर सकते हो। और यहाँ पर ये देखें, ये कंसीलर का ये फ़ायदा भी है कि अगर आपके पास लाइट कलर का कंसीलर मतलब ये वाला आप अगर बाय कर लेते हो तो आपको दो दो बार अपने कंसीलर को लगाना नहीं पड़ता। और दूसरा ये कंसीलर के ऊपर जब आप ऑलरेडी गोल्ड कंसीलर के ऊपर अपना कलर लगाएंगे, हाइलाइटिंग कलर लगाएंगे, तो वो ज्यादा इनहेंस होगा, ठीक है। आसिफ असलम मैम, आपने जो हेयर स्टाइल बनाया था मैंने भी वो ट्राई किया, बहुत अच्छा बना था। माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कोई भी नई चीज आप जब देखते हो उसको ट्राई किया करो, ट्राई करने से जो चीज आपको मिल रही होती है, ठीक है, वो चीज़ आपकी ग्रिप में आ जाती है, ठीक है, वो एक दफ़ा जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये स्टाइलिंग हमारी ऐसी होगी। अब ये देखिए गोल्डन कलर का पाउडर मैं ले रही हूँ, और इस पाउडर को मैं एक फ्लफी ब्रश की मदद से लीड पर चिपका दूंगी, ठीक है। इस तरह से आपने, क्योंकि ये थोड़ा ग्रीसी ग्रीसी सा रहेगा क्योंकि ये लिक्विड वाले हमारे कंसीलर्स हैं, तो इसे फिक्स करने के लिए हमारे जब जितने भी कंसीलर्स होते हैं इसको फिक्स करने के लिए आपको पाउडर्स की ज़रूरत पड़ती है। और अब हम इस तरह से पाउडर यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर टैप टैप करके आपने इन पाउडर्स को यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर देना है। और ये देखें जी, अब हमारी आई लुक जो है वो कितने खूबसूरत, कितनी ब्राइट ब्राइट फील होना शुरू हो गई है। और हम इस कलर को आँखों के अंदर तक किस जगह पर भी अगर फैला देते हैं ना, यानी इनर कॉर्नर की तरफ भी लेकर आते हैं, तो कलर और भी ज़्यादा खूबसूरत मतलब लग रहा था, आँख और भी ज़्यादा लंबी दिख रही होती है हमारी, ठीक है। गुरनूर कह रही है कि ये टाइम बेस्ट है। चलो ठीक है, इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इसी टाइम में आप लोगों के साथ लाइव सेशन किया करें। अब यहाँ पर जो हमारा मतलब जो ब्राउन कलर, जो आईब्रो वाला कलर है, उसको मैंने आउटर कॉर्नर पे किस तरह से लगाना है, जस्ट मैंने अपनी फ्लफी ब्रश में लिया है और ना होने के बराबर मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ। जस्ट मैं हल्का हल्का जो है वो टच कर रही हूँ, जस्ट मुझे हल्का सा शेडो चाहिए था। पहले मैं डार्क ब्लैक कलर में शेडो क्रिएट करने वाली थी, फिर मैंने कहा सोचा कि थोड़ा ब्राउन में करते हैं। अब सेम इसी आईब्रो पैलेट से जो मैं कलर लेकर और आईब्रो की फिलिंग कर रही हूँ, ठीक है, इस तरह से ही आईब्रो की फिलिंग करनी है। अभी हम लोगों ने इसमें बहुत सारी क्रिएशन न्यू भी करनी है, हमने इसमें जो एंजल विंग्ड आईलाइनर है उसको भी ऐड करना है। तो पहले हम आईब्रो की शेप इस तरह से करेंगे, डार्क ब्राउन कलर के साथ थोड़ा सा पिगमेंट लेकर एक एंगल ब्रश की मदद से हम इसको जो है वो ब्लेंड कर रहे हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? शहजाद मलिक मैम, मैंने क्यूने की कैराटिन करवाई थी लड़के से 3 दिन पहले, लेकिन अब मेरे हेयर डैमेज हो गए हैं यानी जल गए हैं। ओहो, अच्छा ये एक बड़ा ज़्यादा एक प्रॉब्लम रहता है, मैं अगर इस टॉपिक को छेड़ के बैठ गई तो मेरा आई मेकअप कल की तरह सारा गुजर जाना है, क्योंकि ये एक बड़ी डीपली डिस्कस है,
ठीक है, मेरा पास एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें हम लोगों ने रिबॉन्डिंग करने का मेथड बताया था, मैं वो अगेन आप लोगों के साथ लाइव करती हूँ इंशाल्लाह कल, ठीक है। ये इनका नाम क्या था, स्पेशल शहजाद मलिक के लिए कल इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं लाइव करूँ और उसमें आपको सारे स्टेप्स बताऊँ कि हमको कौन कौन सी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और कैसे आपने कौन सा कैसे चॉइस करना है। अपने सलोन की जो चॉइस है ना वो आपकी रॉन्ग होती है, इस वजह से आप इन प्रॉब्लम्स का सामना करते हो, ठीक है। थोड़े से पैसों के लिए कि ये यहाँ पे पेमेंट आपकी कम लगेगी या कुछ होगा, वो आपके प्रोडक्ट जो अननोन बंदे से आप कराते हो, तो इस तरह के रिस्क आपको लेने ही नहीं चाहिए। ये एक बड़ी लंबी सी डिस्कस है, मैं मतलब अभी अगर करने लगी तो मेरा आई मेकअप कल की तरह सारा डिसमिस इधर उधर हो जाएगा, इसलिए रिलेटेड आई मेकअप के ही आप क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो बेहतर होगा। कल इंशाल्लाह ताला मेरा आपसे वादा है कि कल जब भी लाइव सेशन किया इसके मुतालिक ही हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे आप लोग उस टॉपिक को भी, अगर आपको मतलब आप सलोन से रनिंग के लिए वर्किंग कर रहे हो स्टूडेंट्स हो, ठीक हो, ठीक हो गया। शहजाद मलिक आपका सलोन किधर है? गुजरांवाला मॉडल टाउन, गुजरांवाला मॉडल टाउन में हमारा सलोन है। और आप किस किस सिटी से हो, क्या नाम है इनका? शहजाद मलिक। शहजाद मलिक, ओके। कहाँ से, इन्होंने कौन सी सिटी से करवाई थी? अच्छा, यहाँ पर मस्कारा हमारा अप्लाई किया जा रहा है। मस्कारे को आपने इस तरह से अप्लाई करना है कॉम्ब कर करके कि आपकी जितने भी लैश की लाइंस होती हैं वो अलग-अलग से सेपरेट सेपरेट फील हो, उनको इस तरह से आपने नहीं लगाना। बाजू का तो वो यूं यूं करके जब लगाते हैं ना वो सारी आपस में चिपक जाती हैं, वैसे नहीं आपने बिल्कुल भी करना है। और अब यहाँ पर आप देखें नीचे वाली लैश को, अच्छा नीचे वाली लैशेज़ को मैंने टेम्परेरी लगाया क्योंकि अभी मैं लास्ट में भी मुझे आँखों के नीचे काम करना है। अब यहाँ पर मैं टीवी पेंट स्टिक ले रही हूँ, टीवी पेंट स्टिक मैंने इस तरह से लेके थोड़ी सी, और उसको मैंने पहले ब्लेंड करना है कि इसके अंदर कोई दाने वगैरह आँखों के अंदर ना चले जाएँ, जो होता है ना थोड़े मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आँखों के अंदर चुभना शुरू हो जाते हैं। पहले आपने इसको ब्लेंड करना है अपने ब्रश से, फिर आँखों के अंदर लगाना है। तो छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं, उनको गौर से सुना करें। अब हम यहाँ पर जो ले रहे हैं ये हमारा है जेल आई लाइनर, ठीक है। जेल आई लाइनर हमारे मेकअप का एक मेन पार्ट होता है। जेल आई लाइनर के साथ जब भी आपने आई मेकअप करना, आई लाइनर का काम करना होता है या आई मेकअप भी करना होता है, तो अगर आपकी ब्लेंडिंग में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप ये ले लेंगे, आपके लिए बहुत इजीली जो है हैंडल करना इजी हो जाएगा। एक आपने इस जगह पर एक स्ट्रेट लाइन लगानी है और उसको आपने बाहर की तरफ इस तरह से लेकर जाना है, और दूसरी लाइन को आपने मिड तक स्ट्रेट लेकर आना है। ये वाला लाइनर जो है लगा के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हम ब्राइड्स को भी ये वाला लाइनर लगा रहे होते हैं और हम जो है वो पार्टी मॉडर्न लुक में भी स्पेशल छोटी आँख के ऊपर ये वाला लाइनर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये लाइनर कितनी बच्चियों को लगाना आता है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। इस लाइनर का लुक जो है वो आप फिनिशिंग में देखिएगा कि बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा, ठीक है। मेरा तो फेवरेट है। अब आपका पता नहीं कि आपको ये आई मेकअप लुक जो है वो कैसा लगता है, ठीक है। गुड नोट मैम, मुझे आपकी सारी क्लासेस चाहिए, मीन्स कि ए टू जी मैंने किया है सलोन का, मगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं, सो मैम थैंक्स। क्या नाम है इनका? गुरनूर जी। ज़रूर इंशाल्लाह ताला समर में मैं आपको कह रही हूँ कि हमारी टाइमिंग्स वगैरह आप नोट कर लें, ठीक है। डेली नहीं तो कोई वन डे में, वन वीक में कोई एक आध दफ़ा ज़रूर आप लोगों के साथ लाइव सेशन किया जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी तरह से डिटेल, ये देखें जिस तरह से डिटेल आपको दी जा रही होती है ना, कि अभी मैं मतलब सुबह ही सुबह उठी हूँ और उसके बाद मैंने ये पूरा वीडियो बनाया, ठीक है। आप देखें इसमें टाइम लगता है, पहले पूरा एक जहन में डिज़ाइन किया है कि मुझे किस चीज़ की नीड है हमारे स्टूडेंट्स को, उसके मुतलिक एक पूरा कंप्लीट वीडियो तैयार किया और अब मैं फ़ौरन से आपके सामने आके इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ। और अभी भी यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं सीखने वाले, क्योंकि सीखने वालों की तादाद कम होती है, सिखाने वाले को शौक़ होता है लेकिन सीखने वाले अगर बिल्कुल मतलब तवज्जो नहीं करते हैं तो फिर वो थोड़ा उदास हो जाता है बंदा। वो कहता है देखें जी पूरे दिन की हमारी मेहनत थी, इतना टाइम निकाला था, कोशिश की थी कि बच्चों को कुछ ना कुछ न्यू सिखाया जा सके, लेकिन क्या क्या फ़ायदा, जब उन्हें शौक नहीं तो छोड़ो। फिर इन बंदे के दिन में जहन में ये चीज़ आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को सीखने का शौक़ है, मुझे सिखाने का शौक़ है, तो मेरे साथ कम्युनिटी में मतलब मैं अब डाल इंशाल्लाह ताला, पहले मैं मेरा नहीं था कि मैं कम्युनिटी में भी आप लोगों के साथ अटैच हूँ ताकि आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकूँ। जिसने सीखना हो वो ज़रूर हमारी रेगुलर क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर ले, ठीक है। साइमा नदीम, नदीम आपका काम बहुत अच्छा है जी, बहुत शुक्रिया साइमा नदीम आपका।
और ये देखें जी, अब हम लोगों ने विंग लाइनर, इस तरह से जेल लाइनर। अब ये देखें, यहाँ पर अगर मैं लिक्विड वाला लाइनर लेती तो ये बिल्कुल भी यहाँ से हिलना नहीं था और आपको ब्लेंड करने में बहुत प्रॉब्लम रहनी थी, लेकिन क्योंकि हमने जेल लाइनर यहाँ पर लिया है तो आप उसे इजीली जो है वो कवर कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट के साथ ब्लेंड कर सकते हो, उसको फैला सकते हो, जैसे कि अब मैं फैला रही हूँ और उसको ब्लेंड कर रही हूँ, और उसके बाद फिर आप उस कलर को जो है वो अच्छे तरीके से मतलब अपनी मतलूबा जगह पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और बाहर से जो एजेस वगैरह होती हैं उसको भी पाउडर के साथ जो है वो बाहर की तरफ फैला सकते हो, ठीक है। ये देखिए जी, ये हमारा लाइनर, हम एक पेंसिल ब्रश की मदद से उसको जो है वो लुक दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है। वसीम, बहुत सी दुआएं, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन। ये कहाँ तक हमारी वीडियो जो है वो चल रही है, क्योंकि जहाँ पे मैं देख रही हूँ, मतलब कि मेरी आवाज़, मेरी जो वीडियो चल रही है उसके साथ साथ ही आ रही है, आगे पीछे तो नहीं आ रही है, ये ज़रा पूछ दें। अच्छा, यहाँ पर अब ये देखें जी, अब हम लोगों ने जो हमारा ब्रश था ना, एंगल ब्रश, जिसके साथ हमने आईब्रो की शेप की थी, उसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट है था, तो वो हमने नीचे वाली जो ये साइड है इसको हम लोगों ने इसके साथ ब्लेंड किया है, ठीक है। और हम आउटर की तरफ भी उसकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं ताकि हमारा जो है ना स्मज होता हुआ लाइनर फील हो। और ये देखिए, लाइनर एकदम से हमारी आंख ऐसे बड़ी सी जो है वो दिखना शुरू हो गई है, बड़ी हमारी आंख का लुक जो है वो खूबसूरत लगना शुरू हो गया। और मज़े की बात मैं अगेन फिर आपसे कहूँगी कि छोटी आंख पर अगर आप इस तरह से वर्किंग करेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने जो है ब्लेंड करना है अपने एंगल ब्रश की मदद से, मैं ब्लेंड करूँगी। आपके पास छोटे साइज़ के जो ब्रशेज़ होती हैं उनकी बड़ी ज़्यादा नीड होती है आई मेकअप लुक के लिए, आपको जो छोटे छोटे साइज़ के ब्रशेज़ होती हैं उनको ज़रूर अपने पास रखना चाहिए, जो आपकी लाइनर में आपकी हेल्प करते हैं। जितना आप प्यारा आपका ब्रश का ब्रश होगा, ब्रिसल्स होंगे ब्रश के, उतना ही प्यारा आपका आई मेकअप होगा। अच्छा, यहाँ पर लैशेस लगाने का मेथड आपको बताएंगे। ऐसे आपने लैशेस को पकड़ना है और जो आपकी बिल्कुल फ्रंट वाली लाइन होती है, कुछ लोग लैशेस की जो नीचे वाली साइड होती है वहाँ पर लगा के और उसको ऐसे चिपका देते हैं आँख के ऊपर, जिसकी वजह से वो आँख बिल्कुल भी मतलब कि ऐसे बिल्कुल आँखों के आगे आपकी लैशेज आ जाती है। वो काम आपने बिल्कुल नहीं करना, कितना भी प्यारा मेकअप कर लें अगर आपकी लैशेज टेढ़ी मेढ़ी लगी होंगी, ग्लू आपके ऊपर नीचे आँखों पर लगी होगी, तो मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से अब आपने इसको पहले ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद जो आपकी फ्रंट वाली साइड है उसको आपने इस तरह से चिपकाना है। आप ये देखें इस तरह से, ये देखें जी, हमारी जो फ्रंट वाली साइड है आपने उसको इस तरह से चिपका देना है, ये आपकी परफेक्ट लैशेज जो है वो अप्लाई हो जाएंगी। वॉइस कह रहे साथ साथ एग्जैक्ट है, बिल्कुल ठीक। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला है, ज्वाइन किया है हमें, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला अगर आप इसी तरह से ही ज्वाइन मतलब करते रहे हमारी इन सेशंस को, तो रेगुलर आप लोगों के साथ क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली क्लासेस जो हैं उनको शेयर करेंगे, ठीक है। और आप लोगों के साथ एक नई इंगेजमेंट बनाएंगे, क्योंकि समर में हमारे, क्योंकि जो विंटर के सीज़न होते हैं वो हमारे अपने बहुत ज़्यादा मसलन मसरूफियत के दिन होते हैं, उनमें हम इतना मतलब टाइम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और लाइव जो हमारी क्लासेस होती हैं उसको अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, तो मुझे ये ईजी लगता है कि हम मतलब प्रॉपर आप लोगों के लिए कोई ना कोई वीडियो बनाकर और उसके साथ आप लोगों के साथ लाइव सेशन जो है वो किया जाए। आप देखें, यहाँ लिक्विड वाला लाइनर की भी ज़रूरत होगी। जब इस तरह की आप क्रिएशन करते हो तो पहले आपको आपका जो जेल लाइनर होता है उसकी ज़रूरत होती है, फिर उसको ब्लेंड करने के लिए या उसको नीट लुक देने के लिए या कॉर्नर डिज़ाइन करने के लिए, जो आपके ये फ्रंट के कॉर्नर्स वगैरह होते हैं उनको अच्छे तरीके से विंग बनाने के लिए, बैक विंग बनाने के लिए, फिर आपको ज़रूरत होती है अपने लिक्विड वाले बिल्कुल बारीक ब्रिसल्स वाले जो ब्रशेज होते हैं उनकी, ठीक है। और ये देखें जी, अब हमारी आई मेकअप लुक आपको कैसा लग रहा है, हमारा आई मेकअप लुक, ठीक है। और आज सुबह ही सुबह मैं काफ़ी एक्साइटेड थी कि मैंने आज 2 बजे आप लोगों के साथ लाइव सेशन करना है, और मैंने आज ही ये वीडियो, आज की ही रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ फ्रेश जो है वो बनाकर शेयर कर रही हूँ। मैं इनर कॉर्नर से इस तरह से बना रही हूँ, इस चीज़ को मैंने हल्का सा ब्लर रखा है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा गोल्डन कलर चाहिए, जैसे ऊपर शेडो आ रहा है ऐसे ही आँख के नीचे भी थोड़ा सा शेडो आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। आसिफ असलम मैम, प्लीज़ आप फैसलाबाद में भी क्लास ऑर्गेनाइज करें, बहुत मुश्किल है जगह जगह घूमना, मतलब के पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से कंपनीज रब्ता करती हैं कि हमारी तरफ क्लासेस वगैरह, लेकिन ये बड़ा ज़रा डिफ़िकल्ट लग रहा होता है कि पूरा पूरा दिन इस तरह से लगता है जैसे बाहर जाना आना पूरा वेस्ट हो जाता है टाइम। नीतू राजपूत मैम, लैशेस ग्लू का नाम बता दें। मैंने इस टाइम क्रिस्टाइन ब्रांड की लैशेस ग्लू यूज़ किया, इतनी सस्ती सी लैशेस ग्लू है और इतने अच्छे उसम रिजल्ट हैं उसके,
स्वीट टच का यूज़ कर लेंगे आप, मतलब जब आपको सस्ती सी मिल जाती है क्रिस्टाइन की तो फिर आपको महंगी खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। और ये देखें जी, ये हमारी जो है वो फिनिशिंग लुक आप लोगों के सामने है। हमारे इनर भी कॉर्नर देख लें, हमारा आउटर भी कॉर्नर देख लें, नीट नीट सा हम लोगों ने काम किया है। जब आपके पास परफेक्ट टूल्स होंगे तो आप भी इस तरह से काम कर सकते हो। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना है लैशेज ब्यूटी पार्लर के नाम से, डीएम करना है वहाँ पे। अगर कोई फ़ोटो होगी आपके पास, आप बनाओगे इसकी प्रैक्टिकल करोगे तो आप मुझे ज़रूर शेयर किया करना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। वैसे भी आप हमारी जब नज़रों में आओगे तो आपको अपना हम कोई ना कोई गिव अवे करेंगे, उसमें गिफ्ट्स वगैरह भी देंगे, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत कुछ प्लान करेंगे हम लोग आप लोगों के लिए, और अपने डिप्लोमास वगैरह भी इंशाल्लाह आप लोगों को भेजेंगे अगर आप इस तरह से रेगुलर हमें ज्वाइनिंग दोगे। लेकिन ये होता है कि अगर हम बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को मतलब अपने डिप्लोमास भिजवा देते हैं तो आप लोगों को उसकी इतनी कदर नहीं होती, लेकिन अगर आपके काम देखकर हम आपको डिप्लोमा दें, यानी कि जो भी वर्किंग की जा रही होती है आप उसको प्रैक्टिकल करके उसका फ़ोटो हमें भेजते हो, तो हमारे दिल में आप लोगों के लिए और मज़ीद इज्जत पैदा होती है कि ये बच्चा बड़ा मतलब मोतबर बंदा है, ये इसने काम किया है, मेहनत की है, तो ज़्यादा मतलब हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। और ये जी कैसा लगा है हमारा, लाजमी प्यारा सा एक कमेंट कर दें कि हमारा ये लुक आप लोग आपको कैसा लगा है। काफ़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने ये लुक अचीव किया है, ठीक है। और डिफरेंट आइडिया था हम लोगों का, ठीक है, डिफरेंट बिल्कुल हम लोगों ने आइडिया पे काम किया है। तो आप लोगों को कैसा लगा, कोई किसी ने लाइफ रोज़ों में बहुत मुश्किल है इतना टाइम निकालना, लेकिन आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल रोज़ों में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और मैं कोशिश करूँगी कि सिर्फ 15 से 20 मिनट अगर आप लोग मुझे दे दिया करें तो हम एक छोटा सा लाइव सेशन डेली नहीं तो कोई 2-4 दिन में जब भी मेरे पास हुआ, मैं पहले से कम्युनिटी में आप लोगों के लिए ऐड करती हूँ कि मैं आज लाइव आ रही हूँ। कम्युनिटी में कोई मैसेजेस आते हैं आप लोग वहाँ पे डन कर दिया करें, ताकि मुझे समझ आ सके कि आप लोग फ्री हो तो हम लोग लाइव सेशन आप लोगों के साथ कर लें, ठीक है। और उम्मीद है कि आज का हमारा लाइव सेशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का हमें ज्वाइन करने के लिए। और क्या बोल रही हैं मारिया लियाकत, बहुत प्यारा माशाल्लाह मैम। मारिया बहुत शुक्रिया, इसी चीज़ के लिए हम लोग मैं वेट कर रही थी कि आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोगों का थोड़ा सा रिव्यू मुझे मिल जाए ताकि मैं अगेन कुछ और आप लोगों के साथ शेयर करूं। और यहाँ पर हमारी एक मतलब स्टूडेंट ही थी जिन्होंने कहा कि उन्हें रिबॉन्डिंग के बारे में बहुत प्रॉब्लम है, तो रिबॉन्डिंग के लिए इंशाल्लाह ताला कल हम लोग ना आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन करेंगे, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो रिबॉन्डिंग के जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो कल फिर तो 2 बजे के करीब या 2:30 बजे के करीब मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ पे आके मुझे बता दीजिएगा कि हाँ जी हम लोग तैयार हैं। तो उस पर हम लोग यानी कि वीडियो हमारा वो पुराना ही होगा, लेकिन उस पर जो डिस्कशन होगी, जो पॉइंट्स होंगे, जो भी मतलब उसका आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी डिटेल से उस पर डिस्कस कर लेंगे। अगर आप सब लोग एग्री हो तो डन का मैसेज कर दें, फिर मैं इंशाल्लाह नई वीडियो आप लोगों के लिए कल के लिए रेडी करती हूँ, जिसमें मैं आपको रिबॉन्डिंग का, क्योंकि ये हमारे एक मतलब क्लाइंट वो हैं सब क्या हैं फॉलोअर हैं जिन्होंने ये भी पूछा है कि उनका बाल जल गया है, ठीक है, उनका जले हुए बाल का सलूशन भी आपको बताएंगे, क्योंकि रिबॉन्डिंग से जले हुए बाल को जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है ठीक करना, बहुत ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है, फिर भी अगर हो जाए तो वो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, अदरवाइज़ वो जले हुए बाल को रिपेयर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। शहजाद मलिक, इंस्टाग्राम पर नेम बता दें अगेन प्लीज़। लैशेज ब्यूटी पार्लर के नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है। जो भी आप वर्किंग कर रहे होते हो ना, आपने वहाँ पर अपना मतलब जैसे आप कह रहे हो कि आपने स्टाइल बनाया था, अभी हमारी यहाँ पे एक व्यूअर थी जिन्होंने बोला कि मैंने इसको ट्राई किया, उसको ट्राई करने के बाद उसकी फ़ोटो खींचा करें इंस्टा पे, मुझे शेयर किया करें ताकि मैं देख के उस पर आपको अपना कमेंट पास कर सकूं, ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल करते हैं आप लोगों के साथ एक कम्प्लीट लाइव सेशन होगा। हमारा क्या होगा, हमारा होगा रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो पे जो है ना वो कंप्लीट एक डेमो आप लोगों के साथ कल 2 बजे लेकर आएंगे, ठीक है। तो शहजाद मलिक मैम, वैसे मैं घर में क्या यूज़ करूँ हेयर के लिए? जिनके बाल जल गए हैं उनको प्रोटीन ट्रीटमेंट्स, मास्क वगैरह जो आपके हैं ना, उनको स्टीम लेना, मास्क ये वो मैं इंशाल्लाह कल आपको गाइड कर दूंगी। ब्री मोड में बड़े अच्छे इसके हैं ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, और जो ब्री मोड हमारा पाकिस्तानी ही ब्रांड है, ठीक है, और उसमें काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें आप मतलब कुछ यूज़ कर सकते हो, या जो मास्क आप देखते हो सिल्की कुल के मास्क हैं वो, बस आपको अच्छा सा मास्क लगाना है, बालों को स्टीम देना है तो बाल आपका सॉफ्ट हो जाए, फिर उसके बाद आपने जो है वो उसको वॉश करना है शैम्पू कंडीशनर से, ये वीक में 2-3 दफ़ा आपने बालों को जो है वो ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद भी क्योंकि ये जला हुआ जो बाल है इसका सबसे बेहतर सोल्यूशन ही होता है कि इसको आप कट ही करवा दें, क्योंकि इसको सही करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है,
और फिर भी जो जला हुआ बाल है उसने उतरना है, फिर ही आपके न्यू ग्रोथ होके उसने ठीक होना है, ठीक है। या अगर देख लें अगर आपके बाल 50% तक सेव हैं कुछ बाल बीच में, तो फिर आप कैराटिन ट्रीटमेंट करवा के उसको रिपेयर कर सकते हो। जो फेलप्स का कैराटिन है, ब्राज़ीलियन जो केरन होता है, वो आप करवा के उसको रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का सेशन, और कल के लिए ज़रूर रिप्लाई कर दीजिएगा। मैं कम्युनिटी में अभी लगाती हूँ कि 2 बजे कौन कौन लाइव आ रहा है, तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मुझे पता हो कि हम लोग कल के लिए जो है वो तैयार होके बैठे, ठीक है। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा।